अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है। तो भाई अब हमारे पास तकरीबन 18-19 स्टूडेंट्स तो आ गए हैं। अच्छा, तो आप लोग सारे के सारे जितने भी हैं, आज हमारी तो पहली लैब हो रही है, तो सारे जो है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। माइक खोल के आप लोग बता सकते हैं, इशू नहीं है। यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर। यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, तो फिर आज तो हमारी पहली सारे ठीक है ठीक है तो आज हमारी पहली लैब है। तो पहले तो आज आप इंट्रोडक्शन सेशन कर लेते हैं। तो आप लोगों की अभी तक कितनी क्लासेस या लैब्स हो चुकी हैं आज इस वीक में? अच्छा, 3 तो हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं अपना एक पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो भाई मैं आप लोगों का अभी IIICT जो हमारा कोर्स है उसका लैब इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम जैसे आप लोगों को पता लग गया होगा शाहरुख शकील है, और मैं भी आप लोगों की तरह ही एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, और मैंने अपना BScS किया हुआ है बहरिया यूनिवर्सिटी से। और मैंने काफ़ी अरसा जो है एक कंपनी आर्पाटेक प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्व भी किया हुआ है, और अभी इसी सेमेस्टर जो है मैं आप लोगों का एज अ लैब इंस्ट्रक्टर असाइन हुआ हूँ IIICT का, ठीक है। तो अब इस एक सेकेंड इस पूरे सेमेस्टर में जो है हम इसको इस लैब को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, अब अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? जिसको कोई इशू हो वो माइक खोल के अब बता सकता है, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, मेरा तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल गया। वैसे तो अभी नाम तो मुझे सबके याद नहीं होंगे, सेमेस्टर चलते रहेगा तो फिर एक एक करके नाम भी याद हो जाएंगे। वो आप लोग जो है अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन दे दें कि भाई आपका नाम तो वैसे आ रहा है, नाम क्या है और आपकी क्या है, कौन से कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज से आप आए हैं, और क्या मोटिवेशन थी आपकी CS को ज्वाइन करने की? कोई और सा कोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया? कंप्यूटर साइंस क्यों ज्वाइन किया? क्या मोटिवेशन थी? तो सब जो है एक एक करके स्टार्ट कर दें। या तो मैं काम करता हूँ, मैं नाम कॉल करता हूँ, तो आप लोग एक एक करके अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर हम लाइव स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि सब लोग जो है जाग भी जाएं। चलें, अली खान साहब आप बताएं। जी, अपना जिस जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो माइक खोले और फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जितना मैंने बताया। जी अली खान। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? बताते रहे भाई, सब जागते रहे, ऐसा ना हो कि सारे बच्चे जो है वो सो रहे हैं और सिर्फ टीचर बोल रहा है। चले अली खान साहब, आपका तो कोई माइक का मुझे लग रहा है इशू है। अली मोहम्मद आप बताएं। अली मोहम्मद साहब भी जो है मुझे लग रहा है बिल्कुल खामोश हैं। चलें, आपका भी कोई अगर माइक का इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो अम्मार फहीम आप बताएं, इंट्रोडक्शन दें अपना।
वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों के, इंटरनेट का कोई स्टेबिलिटी का इशू तो नहीं है? इंटरनेट के हो सकता है, क्योंकि मेरी तरफ से तो माइक वगैरह सब सही है। अच्छा चले, अभी अभी बताएं, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज़? आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चैट की बजाय आप लोग जो है ना माइक खोलें और फिर उसमें बताएं। चैट में लिखने का काम होगा ना, तो वो मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा क्योंकि चैट में आप लोग ने क्या चीज लिखनी है। अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो आप लोग दे नहीं रहे। अच्छा वजिया खान आप बताएं, आप इंट्रोडक्शन दें, आप स्टार्ट करें, ये तो सारे सोते रहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज वजिया खान। आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम खुर्शीद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज एंड माय गोल इज टू सर्व पाक आर्मी एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है तो सैयदा उनजिला आप बताएं। जी सैयदा उनजिला अस्सलाम वालेकुम सर। I have done my intermediate from Fazaya Intermediate College, Karangi campus. Motivation क्या है आपकी BScS को join करने की? आपका कोई sister, brother, कोई family member था या आपको खुद ही motivation आई? सर खुद ही आ गई। अच्छा खुद ही आ गई, तो क्या क्या देख रही हैं आप 4 years के बाद, आप क्या करती हुई नजर आएंगी? सर freelancing और ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है जबरदस्त। अच्छा अम्मार फहीम आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी माय नेम इज अम्मार फहीम। आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम गुलिस्तानी जौहर कॉलेज। माय एम इज टू बिकम अ प्रोग्रामर। थैंक यू। ठीक है प्रोग्रामर जबरदस्त। अच्छा अम्मा आमना इकबाल आप बताएं। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आवाज आ रही है? जी 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 बोले आप। सर माय नेम इज आमना इकबाल। आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम खुर्शीद गवर्नमेंट कॉलेज। My aim is to become a programmer. ठीक है जबरदस्त। अच्छा अनल अनस खान आप बताएं। जी अनस खान। हेलो जी अनस खान आप बताएं। अनस खान अच्छा चलिए हफ्सा मुश्ताक आप बताएं, आप इंट्रोड्यूस करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा मुश्ताक है और मैंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में किया है गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज से जमजमा से। ठीक है, और आपकी मोटिवेशन क्या थी सीएस को ज्वाइन करने की?
मैं सेकंड ईयर में प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए. अच्छा अच्छा ठीक है जबरदस्त. अच्छा तो आप लोगों की क्लास का जो सीआर है वो कोई बना है अभी तक? कोई सीआर बना है आप लोगों की क्लास में? अच्छा चलो वो भी आज की क्लास में बना लेंगे. चलें हैदर साहब आप इंट्रोड्यूस करें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर माय नेम इज हैदर जुल्फिकार. आई कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स फ्रॉम कराची पब्लिक स्कूल, ए लेवल्स फ्रॉम इंस्पायर एंड इंटर फ्रॉम एसएसएटी कॉलेज. ठीक है. और मोटिवेशन क्या है सीएस को ज्वाइन करने की? सर मर्न स्टैक डेवलपिंग. अच्छा मर्न स्टैक डेवलपमेंट. आपको आपके कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त यार किसी से आपने मोटिवेशन मिली है या आप कुछ इसके बारे में पहले भी रिसर्च कर चुके हैं? सर मैं पहले से ही इसके बारे में पढ़ रहा हूँ. अच्छा क्या नाम है आपका? हैदर. तो हैदर आप ज़रा क्लासमेट्स को ज़रा बताएं कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दें कि मर्न स्टैक होता क्या है, ज़रा बच्चों को थोड़ा सा कुछ पता लगे, मुझे भी पता लगे. सर इसमें सर्वर टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं. अब तो खैर वो शिफ्ट कर गए सर्वरलेस पे, जिसपे आप सर्वर टेक्नोलॉजीज पे आप MongoDB, React और Node.js पे काम करते हैं लिनक्स की कमांड लाइन से, और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. ये सारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आप इनको ज़रा ये तो बताएं, इनको तो रिएक्ट और ये सारी चीज़ें नहीं पता, इनको ये बताएं कि इससे होता क्या है. इससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मोबाइल ऐप बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मर्न स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है? सर तीनों एप्लीकेशन इन्हीं से बनती हैं. स्केलेबिलिटी सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से होती हैं. ठीक है ज़बरदस्त. ठीक है सर. डेवऑप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना? जी जी ठीक है बिल्कुल ज़बरदस्त है. अच्छा शहरियार गौरी आप बताएं, चलें इंट्रोड्यूस करें खुद को. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर आवाज आ रही? जी 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 आप बोलें. जी बोलें सर. मैंने इंटरमीडिएट अपना HPHS से करा है. जी जी इंटरमीडिएट HPHS से करा है और फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है. अच्छा अच्छा तो अब मोहम्मद अब्बास आप बताएं, इंट्रोड्यूस करें. सर आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम जी. सर मैंने अपना इंटर जॉब डिग्री कॉलेज से किया है प्री इंजीनियरिंग में. ठीक है. और मैंने सीएस इसलिए लिया क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग करनी थी और गेम डेवलपर बनना था. जबरदस्त. अच्छा अगर किसी को अभी इतना आइडिया नहीं है, ये सब तो देखें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमने, गेम डेवलपर कोई मर्न स्टैक डेवलपर, अगर किसी को आइडिया नहीं है जैसे मैं था जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी जब सीएस ज्वाइन किया तो इतना आइडिया नहीं था इन सारी चीज़ों का कि मुझे आगे क्या करना है. लेकिन जब आप इसके अंदर एक एक सेमेस्टर आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे इंडस्ट्री को, तो आपको खुद सबको ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सीएस के स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे जा कर किस टाइप की जॉब करते हैं, किस तरह की फील्ड में जाते हैं, क्या काम करते हैं. तो किसी को अगर अभी समझ नहीं भी है कि उसने आगे क्या करना है तो कोई ऐसे इशू नहीं है, आप बेसिक अपना इंट्रोडक्शन सब देते रहें कोई इशू नहीं. ठीक है चलें. मोहम्मद अली आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. आई हैव डन माय इंटरमीडिएट फ्रॉम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और सीएस लेने का यही है कि सॉफ्टवेयर हाउस और इसी में करना है. तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो आप पंजाब से भी आए हैं यहाँ पे?
जी मैं अभी भी लाहौर में ही हूँ और अभी थोड़े अरसे में बस शिफ्ट हो जाएंगे कराची, इस वजह से दिल्ली है। मोहम्मद अब्बास से मैं आप इंट्रोड्यूस करें। जी मोहम्मद अब्बास बताएं। सर मैंने दे दिया अभी दिए अभी दिया इंट्रो अपना। अच्छा कौन बैठा मोहम्मद शमून आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने बीएड डीजे साइंस कॉलेज से किया और जहाँ तक बात है बीएससी इसमें एडमिशन की तो बचपन से ही कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह कंप्यूटर साइंस का स्कोप है और जिस तरह आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वेरियस पाथ्स आती हैं आपके पास ग्रेजुएशन के बाद कि आप डेवलपर भी बन सकते हैं, गेम डेवलपर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप खुद को एक्सपर्ट करके आगे निकल सकते हैं। AI की फील्ड है, यही इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर ही बनना है फ्यूचर। बिल्कुल जो है सही फील्ड में है। ठीक है जी। अच्छा शहजाद खान इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा नाम शहजाद खान है और मैंने इंटरमीडिएट एसोसिएट डिग्री कॉलेज से किया है इंजीनियरिंग CS। बेसिकली मेरा लेने का ये मकसद था क्योंकि मेरे को कंप्यूटर की चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में घुसना, कोई भी चीज़ में डेवलपमेंट करना, ये सारी इसी वजह से मैंने ये CS लिया है ताकि गेम डेवलपर बन जाए, कुछ भी बन के आगे निकल जाए। बिल्कुल ठीक है। उस्मान गनी हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो आप इंट्रोड्यूस करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उस्मान गनी है, मैंने इंटरमीडिएट NCR कॉलेज से किया। ठीक है। और मोटिवेशन क्या है CS ज्वाइन करने की? बेसिकली मैं SCO एग्जीक्यूटिव हूं तो उससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है CS की तरफ। SEO executive हैं आप, तो कहीं जॉब कर रहे हैं अभी आप? नहीं फ्रीलांस काम कर रहा हूं। हां तो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो अच्छा, सलाम शकील साहब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने अपना इंटरमीडिएट आयशा भवानी कॉलेज से किया है एंड आई एम करंटली स्टडीइंग इन एपटेक मेट्रो कैंपस। और मोटिवेशन मेरी ये थी कि CS ज्वाइन करने की, कि मैं उधर एपटेक में भी यही फील्ड को परस्यू कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड फील लगती है ये, और इसमें वेरियस ऑप्शंस हैं आपके पास आगे, मतलब आप क्या चूज़ करना है। सो सर मैं एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त एंड्रॉयड डेवलपर आप जरूर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इकबाल आपने कर दिया इंट्रोड्यूस और नहीं किया तो कर दें। यस सर, हो गया था इंटरव्यू। अफसा मुश्ताक आपने कर दिया? जी हो गया। मेरे ख्याल से तो ज्यादातर तो हो गया है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो एक एक करके माइक ओपन करके अपने इंट्रोड्यूस कर दे अपने। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा है, मैट्रिकुलेशन मैंने फातिमा बॉय स्कूल से की थी और इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से किया था। और मोटिवेशन यही थी कि शुरू से गेम्स खेलने का बहुत शौक था, तो गेम्स खेलते खेलते दिमाग में ये सवाल उठा था कि गेम्स बनती कैसे, इसके पीछे की लॉजिक है। तो जब थोड़ा बहुत पढ़ा तो उसके बारे में पता चला गेम्स बनने में एक चीज़ कोडिंग भी होती है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग, तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ था और आज CS लिया था। ये असल इंट्रोडक्शन मुझे मिला है जो मैं चाह रहा था, जो असल ठीक है। आपने बहुत ज़बरदस्त फ्लो बताया कैसे आपका डेवलप हुआ, ठीक है ज़बरदस्त। अच्छा और कोई है, कोई रह गया है तो वो कर इंट्रोड्यूस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मेरा नाम उफान जुल्फिकार है, मैंने इंटरमीडिएट ब्रेड सक्सेस से किया है और सर जो मेरा जो गोल है वो पाक आर्मी का है,
सीएस इसलिए लिया है कि आगे जिसमें पाकर्मी में हैकिंग वगैरह की होती है तो इसमें हैकिंग सीखते हैं तो कोडिंग वगैरह, तो इसे सीएस में इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है ब्रदर, फिर आप हैकिंग की तरफ जाएंगे तो आगे आप इसी बीएससीएस में एक कोर्स आएगा नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसमें और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो आप जो है उसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको उससे बड़ा फायदा होगा। और भी रह गए जी थोड़ा सा जोर से बोलिए। सर मेरा अपना मैट्रिक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल से किया, इंटर मैंने एचएससीटी डिग्री कॉलेज से किया। वैसे तो मेरा गोल तो अपना बिजनेस का है, पर एज अ सेफ साइड कंप्यूटर साइंस लिया है। वैसे भी बचपन से इंटरेस्ट था मुझे इस पर, साइबर क्राइम के लिए वर्क करने का इस पर इंटरेस्ट। अच्छा जबरदस्त, मेरे ख्याल से तो हो गया सबका, और भी रह गया। ठीक है, वो मेरे ख्याल से तो सबका हो गया है। ठीक है, अब आप लोग